स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। कोई भी मर जाता है, आत्मा नहीं रो रही है, मन रो रहा है। पहले आंखें रोती है क्योंकि ये इंद्रिय है ना, ये संतो तन खोजे मन पाया, हाय उसको अब कैसे देखेंगे। कान रोते हैं, हाय उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। हाथ रोते हैं, उसको अब स्पर्श नहीं कर पाएंगे। चित्त रोता है, बुद्धि रोती है, आत्मा का किसी से नाता ही नहीं है। यह समझने में जितना जल्दी लगाओ करोगे अच्छा है। जगत है रैन का सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। दिलां का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। ये पूरा मन का खेल है साहब, यही मन को साहब ने एक्सपोज किया, उसका भेद खोला। मन ही देहरा देव बसारा, मन ही पूजे पूजन हारा, मन ही नार पुरुष कर जाना, मन ही पुत्र मन बाप बखाना। मन ही बेटा है, मन ही बाप है। मेमोरी बताई, बाप का शक्ल ऐसा, बाप मान लिया। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे नट, तुम अध्यात्मवादी हो, धीरे धीरे तुम्हारा रुझान इन चीज़ों से उठकर मन को पकड़ना चाहिए तुम्हें। बुखार हुआ ये थोड़ी बोलना है, अगर बुखार हो गया, बुखार तो होता रहता है। मन राजा रैयत कहिए, मन ही विज्ञान मन ही मिल रही है। कहे कभी ये मन है, मन का सकल पसार, मन चीने थे अमर हैं गहे ने अक्षर सार। जो मन को समझ गया वही ज्ञानी है। मन ही के हारे हारे मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। माताएं दही मथती है, पता है दही मथती है, मक्खन उसमें नहीं दिख रहा है। दही में मक्खन दिख रहा है क्या? जब वो मंथानी चलाती है मक्खन बाहर आ जाएगा। इस तरह सुमरण करोगे सब चीजें आ जाएगी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माया। और याद रखना, मन को भजन सुमरण पसंद नहीं है। 3 घंटे टीवी पर गर्दन यूं करके आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान में बैठने के लिए 2 मिनट में मचलेगा ये। इसलिए इसको कसो, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। कह लग कहिए मन की बाणी, झूठ पसारा मन है बखानी, एक ब्रह्म सब घटे समाई, नहीं कुछ आन नहीं कुछ जाई। मन ही वृत्ति या कथा सुनावा, मन ही वेद पुराण बढ़ावा, मन ही शास्त्र शुभ घड़ी विचारा, उत्तम मध्यम कहे नरवारी, मन ही भाव व्रत सब करी, मन के भाव योग तप धरी। ये पूरा मन का खेल है। आपको उदाहरण दूँ, अभी कोई कहे ना कि 4 धाम के लिए जाना है, मन प्रसन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? श्रद्धा नहीं, सोचेगा आहा दृश्य देखेंगे, इंद्रियां भी तैयार हो जाएगी, आहा और ढाबों पर अलग अलग भोजन खाएंगे, मौज मस्ती करके आएंगे, 4 फेरे फिर फिर करके और घूम फिर करके आएगा और कहेगा जी मैं भक्ति करके आ गया। कोई भक्ति नहीं हुई। मन ही के हारे हार हैं, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मन के भाव यज्ञ सुखीना, मन के भाव दान जो दीना, मन के भाव प्रतिमह लेई प्रतिग्रह लेई, मन के भाव तुला सब देई, यह सब है मन केर खुटाई, सदगुरु मिले सब भर्म छुटाई। यह सब मन की दौड़ है, मन का सकल पसार, ज्ञान चीन मन अचल है कहे कबीर विचार। मन ही की कथा कहूँ प्रसंगा, असरज ज्ञान कहूँ सब रंगा, यह मन तो हम तुम यह मत तो हम तुमसे कहिया, ज्ञानी होए कोई कोई दहिया, एक अक्षर का यह है लेखा, ज्ञानी हो सोई शब्द विवेका। धर्मदास अक्षर धर जानो, दूजा भाव न मन ही आनो, दूजा कहिए मन का भाव, ताते सत्य ज्ञान समझाओ। बोला है, एक नाम के अलावा, एक गुरु ध्यान के अलावा जितनी भी चीजें आ रही है इस बुरा मन है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस कबीरा, वही काल की फांस। आप देखना जिस दिन आप फैसला करके बैठेंगे आज भजन करना है सुमरण करना है, अच्छा ध्यान में बैठना छोड़िए बहुत बड़ी बात है, सुमरण करना है, 2 मिनट भी सुमरण नहीं करोगे अचानक अंदर से कोई ना कोई कल्पना उठा देगा, आपको वहां से टाल करके दूसरी तरफ ले जाएगा। आपके पास में हमने एक चीज दी, इससे तुम्हारी आत्मा चेतन हो गई, अब मन को जल्दी से समझो ठीक है। जो आत्म तत्व को जानता है फिर ये दूसरी चीजों में नहीं रहता है। मैं आपको सही में आत्म तत्व का ज्ञान दिया। अभी देखो आप आत्मा को मन को कस रहे हैं कि नहीं, आप मन समझ में आ रहे हैं कि नहीं है? पहले जहां चाह रहा था मन घसीट रहा था, गुरु ने आत्म रूप लिखा। ये अब आपको अब गलती नहीं करनी है, आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है।
उग्र ज्ञान जाकर प्रकाश आत्म राम घटमा है निवासा, आत्म राम की परिचय हुई, आप ही आत्म राम है सोई। दूजा कितव ने देखे भाई, आप रहा सब माए समाई, यही भान तुम कहो समझाई, जो समझे तह लोक सिदाई। आत्म राम की परिचय पाई, ताके निकट लोक हैं भाई, हम तो एक लोक कह दीना, अमर लोक वह घटना ही चीना। इस तरह इतने सभी चीजों पर साहेब आगे क्या करें, भर्म रूपी है सृष्टि बनाई, भर्म माए सब रहे भुलाई, सुर नर मुनिगण यक्ष अपारा, राची सृष्टि भर्म व्यवहारा, इतने भ्रम न छूटत भाई, ब्रह्मादिक रे रहे भुलाई। क्या करें, ब्रह्मादिक भी इस भ्रम में है। हे धर्मदास, ये पूरा संसार भ्रम में जी रहा है, इस सृष्टि का आधार ही भ्रम वहम है। हे कबीर, हम तुमसे कहूँ निश्चय ज्ञान बात यह कही, पुरुष बात यह मुँह समझाई, सो मैं तुमको आन लखाई। धर्मदास, निरखो नैना निश्चय ज्ञान परख में बैना। इस तरह बनो, ये आत्मा साधारण नहीं है, इस आत्मा को मन ने भ्रमित करके पूरा काम करा रहा है। रहस्य यही है ब्रह्मांड का, मन और आत्म समझ में नहीं आ रही, इसलिए मन के द्वारा प्रेषित सभी चीज़ों को मनुष्य सोचता यही मैं हूँ। यहाँ साहब ने विराम लगाया, जिस दिन गुरु नाम देता है आत्म तत्व को अंदर से चेतन कर दिया, चाहे आप बोल पाए या नहीं बोल पाए, आत्म चेतन है। अब आपको मन समझ में आ रहा है, मन पढ़ने में आ रहा है, मन क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, उसको काउंटर कर रहे हैं आप, इसलिए हमेशा होशियार रहो। साहब ने सूरत योग बोला, हमेशा सूरत कंसंट्रेट रखना, मन को कंसंट्रेशन मंजूर नहीं है, उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार। साहब कह रहे हैं चश्म दिल से देख तू, क्या देखे, क्या क्या तमाशे हो रहे। अरे भाई अंदर से देखो, कोई ताकत तुम्हें नचा रही है, जो ताकत नचा रही है बड़ी शातिर है, वो दिख भी नहीं रही है आपसे, सब काम वो ताकतें करा रही है। अब यहां साहब कह रहे चश्मे दिल से देख, अंदर की आंख से देख, ये अंदर की आंख आपके ध्यान में है, आओ कैसे करा रही। कभी कभी आप फैसला करते हैं आधा घंटा ध्यान में बैठने, आप बैठ गए, ये तो आपका फैसला था ना, एक मिनट बाद आपने तो फैसला किया, यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपके शरीर में आपकी चल ही नहीं रही है, वो विरोधी शक्तियां आपसे जो काम चाहे करवा रही हैं, आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। जस नट मरकट को दुख दे ही, नाना नाच नचाऊंगे, आपका फैसला था कि आधा घंटा मैं ध्यान बैठ। ध्यान में क्यों बैठ रहे थे, क्योंकि यह सर्वमत मान्य है कि परमात्मा को या अंदर की दुनिया को हम ध्यान से देखेंगे, इसलिए सब ध्यान बोल रहे हैं। दिव्य चक्षु आपके ध्यान में है, सुरती में बैठता है, मिनट एक डेढ़ के बाद आप ध्यान करने की जगह कहीं खेती बाड़ी, कहीं फसल के बारे में, कहीं दो कमरे बनाने की प्लानिंग में लग गए, आपका डाइवर्शन हो गया। आपने कभी नहीं सोचा ये डाइवर्शन हुआ क्यों, अपना तो फैसला ये था कि अपन ध्यान करेंगे, ये कौन सी चीज आई जो हमें एक बहाव में बहा के ले चली, ये पूरी जिंदगी भर हमारे साथ खेल हो रहा है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, थोड़ा गौर करो, जब आप देखोगे अच्छा ठीक है, कहीं से तरंग आई, तरंग इतनी सीक्रेट आई कि आप नहीं समझ सके, तरंग आई, एक कमरा है एक और बनाना है। आप ध्यान में कहाँ बैठे हैं, आप तो प्लान कर रहे हैं सीमेंट कहाँ से लेना, बजरी कहाँ से लेना, ईटा कहाँ से लेना, फलाना कहाँ, बीच में फिर आपको ख्याल आता है अरे ध्यान में बैठा था लहर सिंह, सोचता ये कहाँ पहुँच गया, फिर चुपचाप बैठ जाते, अगले पल फिर क्या है, अनचाहे बात याद आ जाती है कि डीसी साहब ने ऐसा बोला था। अब बस आप ध्यान में, ध्यान आपका, आपका ध्यान अपनी जगह से हट गया, आप सोच रहे हैं डीसी साहब से निपटूं कैसे, डंडा ले जाऊं, छुरी ले जाऊं, बंदूक ले जाऊं, कैसे निपटूं। ये कौन सी ताकत है जो आपको डाइवर्ट कर रही है, घुमा रही है, जहां चाहे वहां ले जा रही है, सिर्फ एक पल थोड़ी, 24 घंटे ये हमला हो रहा है,
ये हमला आप पर 24 घंटे हो रहा है, ये कौन कर रहा है हमला, ये विचार कहाँ से आया, क्या ये आपकी आत्मा, आपका तो फैसला था ना मैं ध्यान में एकाग्र करना है, आपके फैसले को किसी ने ऐसे रफू चक्कर कर दिया एक मिनट के अंदर कहीं के कहीं पहुंच गया। ये तो मन भाई साहब कह रहे हैं तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, इसके चार रूप है, ये आपको नहीं टिकने दे रहा है, कितना खतरनाक है, आत्मा का ज्ञान नहीं होने दे रहा है। मैंने एक प्रश्न कई बार बोला, मैंने एक एग्जांपल कई बार दिया कि राष्ट्रपति रीगन का पीएएलसेंटर एक शब्द बोला, वर्ष का महावाक्य हुआ, और ये मैं कई बार और बोलूंगा क्योंकि प्रसंग आ जाता है। उसने कहा वो साल का महावाक्य था, एलेक्जेंडर रीगन के पीए थे, कहा मुझे यूं लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं, वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहे करवाती है, उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब दुनिया के लोगों का दिमाग एक ही साइट में एक ही टाइम पर एट ए टाइम डाइवर्ट करके कहीं भी लगा सकती है, यानी चाहे तो बेईमान बनाए चाहे तो कुछ भी बनाए, उसमें इतनी ताकत है हम सब वैसे हो जाएं, और मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले चल गई, और कोई नहीं। वाह, वो बहुत बड़ा वाक्य था एलेक्जेंडर का, सोने के अक्षरों में मढ़ाया गया था, पूरे वर्ल्ड का वो वर्ष का महावाक्य कहलाया था। मैं कहा वाह, एलेक्जेंडर बहुत बुद्धिजीवी था, पर ये बात 600 साल पहले साहब बोले, सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो निरंजन कहाँ रहता है, आंखों में रहता है, और आत्मा भी यही है। साहब कह रहे नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों का चिक डाल कर साहिब को ले रिझाए, हम उनकी वाणियां पढ़ते हैं लेकिन अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार लगा रहे हैं। सुनो, वो है मन, साहब ने मन पर कह दिया तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, शिक्षा कितनी अलग लग रही है। तो वाह, दुनिया के लोग कह रहे हैं तेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब उजले तन उजियाला होए, इसलिए इस उजले दर्पण में प्राणी, वाह तेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, वो यूं कह रहे हैं। और कई मत मतांतर के लोग भी कह रहे हैं जो मन कहे वो करना, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। साहब क्या कह रहे हैं, ना तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। देखो मामला कितना उल्टा पुलटा हो गया, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोह राख भरमाई, मन ही काम क्रोध उपजावे जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी जरना जन नर जानत ना, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, ये अंदर बैठे पूरा खेल खेल रहा है। अब साहब क्या कह रहे हैं वो सुनो, मन मकरंदी के युग ऐसा, कूट के बासे विषधर जैसा, बहुत जहरीला है, तीन लोग की जितनी खानी करे बास मन ही सहदानी, जो चाहे वो सभय बनाए मन की कला हाथ ना आवे, ये जो चाहता है इंसान से करा रहा है। आपकी आत्मा निर्मल है, उसको चोरी चंडाली विषय भोग और दुनिया की चीज़ों छल कपट से कोई नहीं, निर्मल है आत्मा, आपसे सब कुछ कराया जा रहा है। साहब कह रहे सब कुछ करा रहा है, मन भूखा और मने अघाना, मने प्यासा कर जल पाना, मन दारुण मन ही सियारा, मन तास और मने प्यारा, मन राई मन राव कहावे, मन बिना मन हाथ ना आवे, मन लोभी मन लालची कृपणी हुई, मन उदार सब दाता सोई, मन ही कायर मन ही सूरमा, ये सब मन है, यही दानी है, यही लालची। आपके पास कोई आकर बोला भैया मुसीबत में हूँ थोड़ा मदद करो, मन ने बुद्धि ने कह दिया, मन के चार रूप है मन बुद्धि चेतन का, भाई मदद करो, तो आप मदद करेंगे, मन ने कहा है भाई मान है नहीं कर, बस फिर आप कृपण हो गए। मन ही सूरमा, किसी ने गाली बगी आपने कहा यार इससे निपटते हैं मारते हैं, अगर मन ने कहा ना भाई लहर सिंह तगड़ा है तुझे मारेगा, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, मन लेवे मन देवे,
कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बनाए मन से। भैया ये अंदर बैठकर इतनी कला कर रहा है, मन की कला हाथ ना आए, नाना नाश नचाए, जो चाहे वो इंसान से कराता है। जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, हर एक इंसान को मन नचा रहा है। कहा है मन, संतो तन खोजे मन पाया, स्थूल में निराकार मन और सूक्ष्म में निराकार मन, स्थूल में इंद्रिया मन है, तन मन है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिया मन है। आओ मैं प्रमाण देता हूँ। कभी कभी आप कहते हैं भाई किसी का मन इसका बड़ा चंचल है, आपने तो मन को देखा नहीं, मन चंचल है, तो यार ये किस तरह से कहा इसका मन चंचल है, ये कैसे अनुभव किया? आपकी माता बहन है कहीं, आप अगर अंक की तरफ देखे तो एकदम ब्रेन क्या कर, नहीं उधर नहीं देखना, तो आंख रुक गई कि नहीं? इसका मतलब है इंद्रियों का संचालक ब्रेन है और ब्रेन ही मन है। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो उसका ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो सीधी बात है ब्रेन भी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है, ये कनेक्टेड है। इसलिए जब इन पर नियंत्रण नहीं, जबान पर नियंत्रण नहीं है, तो जान जाते हैं कि ब्रेन पर भी नियंत्रण नहीं है, आंखों पर नियंत्रण नहीं है, तो जान जाते हैं कि इसका बिल्कुल ब्रेन पर नियंत्रण नहीं है। कुछ लोग हैं कभी आंख गई तो वो जेंटल है, सोचते यार लोग सोचेंगे लड़की को देख रहा है, क्या है वो कंट्रोल कर, ब्रेन नहीं तो कहा ना, मन का स्थूल रूप इंद्रियां हैं, ठीक है। देखो नाम लेने के बाद इंद्रियां कंट्रोल हुई कि नहीं? पहले ये कभी मांस खाती, कभी अंडा, कभी शराब, कभी कुछ, कभी अब नहीं खा रही ना, कंट्रोल हुआ कि नहीं? ब्रेन पर भी कंट्रोल हुआ कि नहीं? अनाप शनाप सोचना कमजोर हुआ कि नहीं? सदगुरु महदीनी अजब जड़ी कनेक्शन ऐसा दे दिया, आप ISD कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेशनल कॉल का आपको राइट मिल जाता है। इस तरह नाम एक कनेक्ट करता है आपको एक पावर से, ठीक है। ये नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ला जाना, नॉर्मल नहीं है ये। इस तरह कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, तस प्राणी सतनाम बिना, इस तरह वो नाम जब आ जाता है ये सब चीज़ें नियंत्रित होती जाएगी, आप एक पावर से जुड़ जाएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, नेगेटिविटी भी ब्रेन की कम हो गई होगी, इसका कैसे पता करें? आपने हर लहर सिंह खड़े हो जाओ, अब कोई आड़ा टेढ़ा काम कर पा रहे हो क्या? पहले कैसे कर रहे थे? ये सिर्फ इनकी बात थोड़ी है, हमारी चीज बड़ी इफेक्टेड है, उसके बाद तुम्हें बदल देंगे ना यार, काग पलट हंसा कर दी ना, बदले में कुछ नहीं लूंगा, कोई फीस नहीं हमारी, नो चार्ज। तो वो ये संतो तन खोजे मन पाया, वो सामने रिजल्ट सामने आएगा ना। अरे भाई डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, साल भर हो गया कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो कहते हो ना न उठ पा रहा हूँ न बैठ रहा हूँ, तेरी दवा किसी काम की नहीं। लेकिन अगर ICU में पड़े थे, डॉक्टर ने अभी तुम्हें बैठा दिया, तो कहेगा ना भाई अब तो बैठ तो रहे हो ना, एकदम खली तो नहीं बन जाओगे ना, फिर थोड़े से खड़े हो गए, बोले भाई धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप देखते चलो ना, आप में विकास हो रहा है कि नहीं, आप में बदलाव हो रहा है कि नहीं, आपको वो ताकत बदल रही है कि नहीं। इस तरह वो अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं मानता है, नहीं तो जो भी चाहे करा रहा है जिससे भी। और इसके पास, इसके पंजे में 5 उंगलियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बड़े बड़े धुरंधों को खींच रहा है। मैं मानता हूँ आप में काम आ सकता है, कंट्रोल हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। एक ने मुझे कहा गुरुजी नामदान देने के साथ मन को ख़त्म कर दो। मैं बोला तौबा तौबा, तो फिर तुझे शमशान घाट में फूंक के आना पड़ेगा। जब मन खत्म हो गया तो हिलेगा डुलेगा भी नहीं। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है इसे मन कहते हैं, जब फैसला करता है बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है अहंकार कहते हैं। तो तू एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, ये धीरे धीरे नियंत्रित होता जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बैल पर अगर नकेल बांध दी, फालतू हरकत नहीं करेगा, ब्रेन पर कंट्रोल हुआ है कि नहीं? अंतःकरण पर, थॉट पर, विचारों पर, गुस्से पर, विकारों पर, सेक्स पर, लोभ पर, ये सब हो जाएगा। सदगुरु मेरा सूरमा कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। तो ये अंदर बैठा है, बहुत खूंखार है, इससे सतर्क रहना।